माइनक्राफ्ट में नूब गेमर्स तो क्रिएटिव मोड का यूज करते हैं, साथ में कुछ प्रो गेमर्स भी क्रिएटिव मोड का यूज करते हैं। और प्रो गेमर्स की बात हो रही है तो हम लोग प्रो बॉयज को कैसे भूल सकते हैं, वैसे इनके सिर्फ नाम में ही प्रो है। सो गाइस, मैं राजित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले जब प्रो बॉयज माइनक्राफ्ट में क्रिएटिव मोड का यूज करते हैं। प्रो बॉयज ने अपनी हार्डकोर सीरीज में भी क्रिएटिव मोड का यूज किया है। एक बार प्रो बॉयज एडवेंचर पर निकलते हैं और वो अपने घर से 3000 ब्लॉक दूर आ जाते हैं। अब आप लोग को पता ही होगा गाइस, हार्डकोर मोड की नाइट में बहुत ज्यादा पावरफुल मॉब स्पॉन होते हैं और नाइट्स को स्किप करने के लिए प्रो बॉयज टाइम कमांड का यूज करते हुए पकड़े गए। अभी चलते अपने प्यारे से घर पे। एक मिनट, घर का कोऑर्डिनेट क्या था? हां, मैंने एक पेपर पे लिखा था, तो फिर अभी वो पेपर ढूंढना पड़ेगा मुझे। ओके, मिल गया। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज नोटिस करनी है कि प्रो बॉयज डे 8 पर है, लेकिन जैसे वो अपने घर के पास पहुंचेंगे उनका डे 0 हो जाएगा। और आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट आ गए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डे 0 हो चुका है, और ये तब होता है जब हम टाइम कमांड का यूज करते हैं, और कमांड का यूज करने के लिए हमें क्रिएटिव मोड का यूज करना पड़ता है। क्या हो रहा है? नहीं यार, हम कैसे हरेंगे इसको? शिट भाई, सैमुअल ने अपनी सारी पावर यूज कर ली है। नहीं बेचारा सैमुअल का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रो बॉयज क्रिएटिव मोड में ऐसा ही सेम मूवमेंट हिमलैंड्स में भी होता है। स्मार्टीफाई क्रिएटिव मोड में होते हैं और उस वाले पार्ट को हटाना भूल जाते हैं, तो शायद प्रो बॉयज भी गलती से इस वाले पार्ट को हटाना भूल जाते हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं प्रो बॉयज की डार्क हीरोज एसएमपी में भी क्रिएटिव मोड का यूज होता है। वैसे ऐसी अमेजिंग सीरीज बनाने में क्रिएटिव मोड का यूज करना नॉर्मल है। प्रो बॉयज एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो कस्टम स्ट्रक्चर क्राफ्ट कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए उन्हें आयरन की जरूरत पड़ती है, तो वो विलेज के आयरन गोलम को किल कर देते हैं जिससे उन्हें 5 आयरन मिल जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद एक कट आता है और उनके पास एक पूरा आयरन का ब्लॉक आ जाता है। ओ भाई, इसे जरा 2-3 फटका दे। शाबाश, तो चल फार्मर बेटा कहाँ पे छुपा है? ओ ये रहा, तो चल ला एक एमरल्ड। एंड हो गया अपना काम। तो ये रखा हमने क्राफ्टिंग टेबल। एंड अभी सबसे पहले बनाएंगे हम लोग एक एक्स, क्योंकि अभी इस बंदे को भी तो कूटना है। चल बेटा आजा। वैसे तो तूने मुझे बचाया था वहाँ पे, बट सॉरी दोस्त, क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ मारने के लिए। ओके चलो, मिल गया आयरन और 5 मिले। व्हाट, आई गेस ये सबसे हाईएस्ट नंबर है जो कि मिल सकता है हम लोग को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रो बॉयज की इन्वेंटरी में एक आयरन का ब्लॉक है। अब यार आयरन का ब्लॉक कहाँ से है इस चीज का तो प्रो बॉयज को ही पता। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, खुद चेकआउट कर लेना। प्रो बॉयज ने अपनी ओल्ड वीडियोज में भी क्रिएटिव मोड का यूज किया है। वो अपने ब्रदर को ट्रोल करने के लिए नए नए ट्रैप बनाते हैं, और टीएनटी ब्लास्ट करने के लिए उन्हें कोबलस्टोन की जरूरत पड़ती है लीवर बनाने के लिए, तो वो क्रिएटिव मोड से कोबलस्टोन ले लेते हैं। लेकिन वो गलती से कोबलस्टोन की जगह इन्फेस्टेड कोबलस्टोन ब्लॉक ले लेते हैं, जो सिर्फ क्रिएटिव मोड से ही पॉसिबल है। और हाँ, उसके पास भी एक कुत्ता है, तो फिर मैं उसके कुत्ते को भी मार दूंगा, फिर उसे मालूम पड़ेगा असली दर्द क्या होता है। तो फिर अब मैं सारी चीजें ले लेता हूँ। एक मिनट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रो बॉयज के पास इन्फेस्टेड ब्लॉक है, जो सिर्फ क्रिएटिव मोड और कमांड से ही पॉसिबल है। और आप में से कुछ बंदे मुझसे पूछते हैं कि गेमर्स इन्फेस्टेड ब्लॉक ही क्यों लेते हैं, तो यार जब भी हम लोग क्रिएटिव मोड में स्टोन या फिर कोबलस्टोन सर्च करते हैं तो स्टोन से पहले हमें इन्फेस्टेड ब्लॉक देखने को मिलता है, और गेमर्स गलती से इसे ले लेते हैं। कहते मुझको मौत का साया, सिर्फ किस्मत वाला ही बच पाया मुझसे, मैं क्रीपर आया। बूम बूम, टीएनटी का भाई, जो कोई रास्ते में आए, I'll make sure that they die in 1, 2